रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे दीपिका। रम गंगा में आपका स्वागत है। श्रावण मास चल रहा है, भोले बाबा की भक्ति का विशेष समय है। क्या आप जानते हैं शिवलिंग की आधी परिक्रमा के पीछे का रहस्य क्या है? क्यों आज चंद्रकार परिक्रमा का ही मिलता है फल? नियम के अनुसार भगवान शिव की प्रतिमा की जहां पूरी परिक्रमा की जा सकती है, वहीं शिवलिंग की परिक्रमा केवल आधी ही की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान और तीर्थ स्थल की परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। मंदिरों में लोग अपने आराध्य की उपासना करते समय उनकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परिक्रमा करने के भी कुछ नियम होते हैं? परिक्रमा का जो सबसे खास नियम है वह यह है कि परिक्रमा जिस देव या पवित्र स्थान की करने जा रहे हो वह हमेशा आपकी दाएं ओर होनी चाहिए। आपके इसके अलावा अलग अलग देवी देवताओं के अनुसार परिक्रमा के नियम है। हिंदू धर्म में परिक्रमा का विशेष महत्व है, वहीं भगवान शिव शंकर की परिक्रमा करने का नियम भी सबसे अलग है। नियम के अनुसार भगवान शिव की प्रतिमा की जहां पूरी परिक्रमा की जा सकती है, वहीं शिवलिंग की परिक्रमा केवल आधी ही की जाती है। माना जाता है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर परिक्रमा का फल प्राप्त नहीं होता। आइए जानते हैं कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा के पीछे का रहस्य। शिवलिंग की परिक्रमा के नियम। शास्त्र के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा को अर्धचंद्रकार तरीके से ही करना सही माना गया है। अर्धचंद्रकार यानी गोल घूमते हुए आदि परिक्रमा करना, जहां एक तरफ शिवलिंग की अर्धचंद्रकार परिक्रमा की जाती है, वहीं इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि परिक्रमा करते समय दिशा सही रहे। हिंदू धर्म ग्रंथ में बताए नियमों के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से आरंभ करके जलधारी तक जाकर फिर वापस विपरीत दिशा में लौटकर दूसरी ओर से फिर से परिक्रमा पूरी करें। शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी दाएं ओर से नहीं करना चाहिए। वहीं शिवलिंग की परिक्रमा करते समय उसमें दिख रहे जल स्थान या जलधारी को लांघना भी बहुत अहितकारी माना जाता है। शिवलिंग के इस राज को भी जान ले। शिवलिंग का ऊपर हिस्सा पुरुष का तो निचले हिस्से को स्त्री का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जल में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि यदि व्यक्ति इसे लांघे तो ये ऊर्जा लांघते समय उसके पैरों के बीच से उसके पूरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति को वीर्य या रस संबंधी शरीर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। माना जाता है कि शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा का ताप बहुत ही तेज और ताकतवर होता है, जिसे शांत करने के लिए शिवलिंग के ऊपर एक कलश लगा होता है, जिससे पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती हैं। इन्हीं वजहों से शिवलिंग को घर में नहीं रखा जाता है। रम गंगा में फिलहाल इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही कोई दिलचस्प खबर लेकर। जब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। जय श्री राम। रेडियो हिंदुस्तान।